अभी वो क्षण आ चुका है, हम जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी हमारे श्रीमान देशराज जी हमें मार्गदर्शन करें। विषय है पुनर्अभ्यास एवं जिज्ञासा समाधान। श्रीमान देशराज जी। पूजनीय माता शक्ति, आदरणीय बंधु, न्यू मुंबई के इस पवित्र प्रांगण में आज के इस आयोजित कार्यक्रम में प्रथम सत्र में हम साधना पक्ष का आनंद ले रहे हैं। अभी आपने साधना की, अब इसमें दो बातें मैं आपके साथ रखूंगा। एक तो साधना जो की गई उसमें थोड़ा सुधार हो जाए, करवाने की दृष्टि से भी और करने की दृष्टि से भी। कुछ मैं भी आपको साधना करवाऊंगा, बातचीत तो बाद में हो जाएगी ना, बाद के बाद। एक तो जिन्होंने आज चश्मा लगा रखे थे वो तो चश्मा लगा करके आसन कर रहे थे, या तो आपको जानकारी नहीं है या कहीं टूटी हुई है। कभी भी चश्मा लगा करके हमें साधना आसनों वाली नहीं करते, क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें कि खिंचाव और स्ट्रेन पड़ता है, तो आंखों की बिनाई पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। बोलिए, बात समझ में आ गई? इसका अनुकरण करेंगे क्या? जब आप साधना करें चश्मा उतार देते, साधना करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब गायत्री मंत्र करवाया गया तो पहले तीन बार ओम की ध्वनि की, उसके बाद उनको शांत होने के लिए कहा गया, फिर गायत्री मंत्र शुरू। तीन बार ओम की ध्वनि से पहले जो निर्देश देने हैं शिक्षक को वो निर्देश दे दीजिए, लेकिन बीच में कुछ नहीं बोलना। फिर आपका जहां से ओम की ध्वनि शुरू हुई और जहां आपका गायत्री मंत्र का अर्थ पूरा हुआ, तब तक आपने कंटिन्यूसन रहनी है उसकी, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अभी नवंबर के महीने में आपके पास हमारी नई शिक्षक संहिता आएगी, उसमें मैंने नोट भी लिखा है कि आपको ओम ध्वनि गायत्री मंत्र और भावार्थ के बीच में शिक्षक को अन्य कोई बात नहीं बोलनी, ये आपको नोट लिखा बन गया। बहुत सुंदर शिक्षक संहिता आपको नवंबर के महीने में मिल जाएगी। अभी भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। सिंह रचना आसन का जो आज अभ्यास हुआ, उसमें जो आप ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि दो तरह की होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये ध्वनि मेरे वोकल बॉक्स से नॉर्मल ध्वनि है। एक गर्जना शब्द जो यूज किया जाता है, ये कंठ में एक वाइब्रेशंस की जाती है, उस वाइब्रेशंस की आवाज होती है। एक बार मैं इसका डेमो करके दिखाऊंगा, फिर आप मुझे करके दिखाएंगे। आप बढ़िया कर गए तो आपको विनर डिक्लेयर करेंगे और हम अपने आप को हार हुआ मान ले, ठीक है ना? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो छोटे बाला, मैं ये पद्मासन में बैठ गया था, फिर मैंने पद्मासन को धो दिया, दोनों हथेलियों को, आवाज आ रही है ना, दोनों हथेलियों को मैंने रखा यहाँ पर इस जगह पर। जैसे मेरी हथेली उठी हुई है हल्की सी, तो मैं सीधा बैठा, जैसे हथेली पूरी धरती पर जाएगी तो बॉडी हर किसी धड़ वाला भाग शांति में हो जाएगा। आप ये देखिए, अब जीवा को बाहर निकालूंगा, सांभवी मुद्रा लगाऊंगा मैं, इस शब्द का भी ध्यान रखिए। सांभवी मुद्रा का तिलक लगा हुआ है दोनों दोहों के मध्य, वहां पर दृष्टि को ठिकाना है और फिर उसके बाद वाइब्रेशन करनी है, करते हुए सिंह रचना करनी है। आपको सामान्य आवाज में निकालनी, उसमें गर्जना के बाद एक अलग मधुर लंबी आपको उसमें मिठास हो, रिदम हो, लयबद्धता हो, उसको हम बोलते हैं सिंह रचना। ये देखिए,
बाद में उन्हें चाहिए। अगर आप ऊंची आवाज करते हो तो इसका मतलब आपको धार रहे हो, धारणा नहीं, रिदम, मधुरता और लंबाई, तीन शब्द हो गए मैंने, लबद्धता, मधुरता और लंबाई, इन तीन का कोऑर्डिनेशन करते हो फिर रिदम लीजिए। इसको देखते आप कितनी बढ़िया करेंगे। चिल्लाना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया से करेगा। दोनों घुटनों के मध्य अधिक से अधिक फासला बनाइए, हथेलियों का रुख दोनों नंगाओं के मध्य धरती पर इस प्रकार टिकाए कि उंगलियों का रुख अंदर की ओर हो, पूरी हथेलियां धरती पर टिक जाए। आप गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाते हैं ताकि गला खुले, और अब जीवा को बाहर निकालिए, दोनों मुंहों के मध्य तिलक या बिंदी वाले स्थान पर आप दृष्टि को टिका दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, मधुर लंबी और नैबद गर्दना के साथ क्रिया को प्रारंभ करें। आप ये देखेंगे जब आप केंद्र में सही करेंगे तो खांसने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। ये इसका एक सूत्र भी देगा, ये इससे आपकी थायराइड ग्रंथि में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है जिससे थायराइड ग्रंथि आपकी सक्रिय बनती है, उसका हार्मोन T3 और T4 आपने सुना होगा, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो टेस्ट करवाने जाते हो। कितनों को पता है इस बात का? ये भगवान के लिए हो, पुरुषों के हाथ कम खड़े होंगे इसमें, महिलाओं के ज्यादा होंगे, क्योंकि ये बीमारी 90% महिलाओं के हिस्से में आई है, पुरुषों के हिस्से में नहीं है ये नाक। और इस बीमारी अगर यह बीमारी युवा पीढ़ी की बच्ची में आ जाए तो शादी के बाद इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम केवल थायराइड की वजह से हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर किसी बेटी को यह समस्या है और साथ में थायराइड है तो थायराइड के साथ ही दम सावधान हो जाना चाहिए। पहला थायराइड ग्रंथि आपके टॉन्सिल्स, एक टॉन्सिल्स के ऊपर अभी शायद इसी के अंदर बोला था कि टॉन्सिल्स दूर हो जाए, अरे टॉन्सिल्स दूर हो गए तो अगर मेरी बालवी शरीर से दूर हो जाएगी तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। टॉन्सिल्स दूर भी हो जाएंगे, टॉन्सिलाइटिस का दोष ठीक हो जाएगा। टॉन्सिलाइटिस एक अपने आप में दोष है, टॉन्सिल के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो उसको आप ये कह दीजिए टॉन्सिल के दोष ठीक होंगे और टॉन्सिल को मत हटाइए। क्योंकि देखो होता क्या है, ये जो कार्यक्रम रखे जाते हैं ये ट्रेनिंग टाइप होता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता अगर मान लो वो बोल दिया तो उससे कौन सा तूफान आ गया, लेकिन हमें धीरे 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 अपने करने और करवाने की तकनीक में सुधार लाना है। संस्थान ये चाहता है और अपेक्षा करता है आपसे। एक आसन का मैं डेमो दूंगा, फिर आपको आसन मुझे करके दिखाऊंगा। आज आपका मेरा आधा घंटा कंपटीशन चलेगा, ठीक है? और नंबर आप लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं। क्यों कहा जाता है कि शरीर की आकृति जैसा रूप ले लेती है वो नामकरण उसका कर दिया है। वृक्षासन कंसंट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि युवा पीढ़ी के बच्चों को ये आसन जरूर सिखाना चाहिए जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और आप देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर के ऊपर से संतुलन बिगड़ने लग जाता है, हमें डर लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमारे शरीर में कंपन होती है या हम बैलेंस नहीं बना पाते। आप सच मानिए वृक्षासन अगर आप ठीक से अपनी अभ्यास का हिस्सा बना लेंगे तो ओल्ड एज में जाकर के आप इस दोष से बचेंगे।
एक प्रॉब्लम होती है पार्किंसन, वो समस्या भी नहीं होगी अगर युवा किसी को है उसको ये आसन नहीं करना साथ में युवा। लेकिन वो स्वस्थ व्यक्ति है अगर वो इस आसन को करता है तो उस बीमारी से भी बचा रहेगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं, और जिनसे ये आसन नहीं होता उसको क्या करना है, उसको दीवार से कितनी दूरी पर कि हाथ या उंगली दीवार से लगे इतनी दूर खड़ा हो, तो पहले वो अपना संतुलन ऐसे बनाए कि ये यहाँ रख दिया और आपने ये उंगली दीवार पे लगा दी, फिर उसके बाद आप ऐसे खड़ा घर में आप ऐसे खड़ा होना शुरू करें, जब आपका ये हो जाए फिर आपको इसको ऐसे ये हो जाए तो फिर आप और ये क्या बन गया बोलते दो संतुलन पूरा होना चाहिए। पता चले कि आप साधना करते हैं, मैं आपको भाषण देना शुरू कर दूं आपको और साधना ना करूं तो आपको कहीं ना कहीं तो शक होगा मेरे ऊपर, नहीं होगा करेंगे शक ऐसा नहीं। ये देखिए जैसे और ये और हम क्या करते हैं इसमें समझौता करते हैं, मैं आपको समझौते वालों के काम भी बताता हूँ क्या करते हैं, ये काम उठाएंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ थोड़ी एड़ी को यहाँ लगाना है थाइस में के जंघा मूल में और फिर आप बनाइए को, देखिए आप कितना आनंद आएगा। बुलाओ खड़े आज तो पक्का कंपटीशन होगा आपको आठ साल में चला रही हूँ और मैं यहाँ सिर्फ भाषण देकर चल रहा हूँ, मैं भी शिक्षक बनू ना, जो आनंद शिक्षक बनने में है ना आप सच मानो दुनिया के सारे आनंद उससे पीछे। शिक्षक का मूल्य हमारे संस्थान में पहले नंबर पर, मैं उसे अपने सर का ताज मानता हूँ। आसन के आगे वाले हिस्से में खड़ा होना, टू थर्ड पीछे वन थर्ड आगे, हमेशा जब भी खड़े हो इस बात का ध्यान रखो। दाईं टांग को मोड़कर बाईं जंघा मूल में रख दें, दाईं टांग को मोड़कर के एड़ी को बाईं जंघा मूल से स्पर्श करवा दें तलवा पूरी जंघा के साथ, दोनों नाजमों को बगल से लेते जाइए और धीरे धीरे ऊपर आइए और हथेलियों को आपस में मिला दीजिए, मैं देखूंगा आप कितने बैलेंस बनाएंगे, मेरी नजर आप पे होगी, करो ऊपर कोई बात नहीं जितना कर सकते हो करो, हाथ मिलाओ हाँ किंतु शरीर को ऊपर धीरे धीरे हथेली देखिए ऐसे आएगी और बहुत धीरे धीरे वैसे इसका एक तरीका और होता है, हथेली कंधों तक ऐसे आएगी कंधों के बाद ऐसे हो जाएगी, चलिए दूसरी तरफ से कर लें बात, बाएं टांग को मोड़िए, बाएं पैर के तलवे को दाईं जंघा पर ऐसे रखिए कि एड़ी जंघा मूल के साथ लग जाए, नहीं लगती कोई बात नहीं समझौता कर लो, उसके बाद भुजाओं को बगल से ले जाते हुए ऊपर जाइए और नमस्कार की मुद्रा लेकर आइए, आंखें खोल करके सामने को बिंदु बना लीजिए बिल्कुल सामने आंखों की ऊंचाई में और उस बिंदु पर टिका दीजिए, आपका संतुलन बन जाएगा, आपको हाथ बुला दीजिए, आपको अपनी दृष्टि को आठ जितनी ऊंचाई पर दूरी पर कोई एक बिंदु बनाइए, इससे दृष्टि भी आपकी इसी से कंसंट्रेशन बढ़ती है वास्तव में और शारीरिक संतुलन बढ़ता है, मांसपेशियों का चयापचय अच्छा बनता है, स्नायु तंत्र सक्रिय होता है, आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, बदन से दोनों बाजुओं को लाते हुए वापिस आ जाए, बहुत अच्छा बैठ जाइए। अब एक आसन होगा आपने किया नहीं यार, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, क्योंकि नई मुंबई में अभी हमारा काम उठाई है, सात केंद्र मुझे बताए गए यहाँ पर हैं और शायद यहाँ पर स्कोप हो जा रहा है, मेरे को किसी ने बताया ये योग की फर्टाइल लाइन है, फर्टाइल समझते ना, जिसमें फसल अच्छी हो, योग की फसल बहुत अच्छी है, हम
वहां पर भोग की खेती करते हैं, क्या करते हैं भोग की, तो असामाजिकता दुख दर्द और भोग बढ़ते हैं। और अगला वाक्य है जहां योग की खेती करते हैं तो वो देव पुष्प वहां पर पैदा होते हैं। समाज के अंदर आप सोचिए, हर आदमी आज के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सोचता है। कई बार तो आप तो मेरे हैं, चलो मैं भले ही मुझे पता नहीं, नहीं मुंबई में पहले भी आया हूँ कभी कार्यक्रम में, नहीं आया, पहली बार आया, तो बहुतों ने पहली बार ही देखा होगा मुझे आज इसी कारण से। तो लेकिन जो पहली बार देखते हैं, पहली बार मिलते हैं, उनको जब कितना भी समझा लो, कहीं थोड़ा बहुत शक भी करते हैं कि ये भी तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, है कि नहीं। कलयुग है, यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है, पर जो इस संस्था से जुड़ जाता है और 10-10, 20-20 साल जुड़े हो जाते हैं। विनोद भाटिया जी मुझे मिले सुना, तो जब मैं दिल्ली में मुंबई में योग के कार्यक्रम को पहली बार लेने के लिए आया था आज से 15 साल पहले, ये बात 2008 की है, अगर मैं साल ठीक कहने लगा तो मैं आज बैठे हुए कुर्सी पर साल ही याद कर रहा था। तो विनोद भाटिया जी ने मुझे पहली बार रिसीव किया था और किसी एक होटल में मेरे रहने की व्यवस्था की थी, मुझे याद आ रहा है। तो बहुत इन्होंने मेहनत की है यहाँ मुंबई में, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे शायद वो इन 15-15, 20-20, 30-30 साल से जुड़े हैं, वो संस्थान से जुड़े हुए नहीं है, वो संस्थान को जीते। तो जिसने संस्थान को जीना शुरू कर दिया ना, अब तक मानो संस्थान हमारी कोई बिल्डिंग में नहीं रहती, संस्थान कोई देश राज्य नहीं है, संस्थान कोई बसेर जी नहीं है, आप सच मानो संस्थान एक शैली का नाम है, जीवन का नाम है। इसको संस्थान ने सिद्ध किया इन 57 सालों के अंदर, 57 साल की यात्रा छोटी नहीं होती, भले हम नई मुंबई में आज पहुंचे, पर संस्थान दृढ़ संकल्प है कि हिंदुस्तान तो क्या विश्व का कोई कोना, हम नहीं छोड़ेंगे जहां हम ना पहुंचे। सत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन का एक आपको डेमो दूंगा, प्रदर्शन दूंगा, फिर आप उसी ढंग से करके दिखा दीजिए। पर पहले कह दूं, अगर किसी को कमर में या रीढ़ में कोई वेदना है, दर्द है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेगा, अन्यथा नए साधक के लिए या जो तेजी से सफलता चाहता है योग आसनों में, क्योंकि आप कितने भी आसन ले लो, हर आसन में रीढ़ की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। जिसके रीढ़ के अंदर स्टिफनेस है और जिनके जोड़ों में स्टिफनेस है, उनको आसन करने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो हमें ऐसे कुछ गत्यात्मक और सरल आसनों को जीवन के अंदर अपनी साधना का हिस्सा बना लेना चाहिए कि धीरे धीरे उन सरल आसनों से ज्वाइंट्स खुलने लगे और रीढ़ हमारी स्वस्थ हो जाए, नजरदार बनता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप कब माध्यम दर्जे के और अग्रिम आसनों में प्रवेश कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और सहजता से आपको इस मार्ग में सफलता मिलेगी। एक बार आप देखेंगे फिर एक कोई ये लेके ऐसे खड़े हो जाओ तो मेरी आवाज कुछ कहना चाहता हूँ, कभी भी हमें पहले राउंड में पूर्ण स्थिति में नहीं जाना चाहिए। पहले राउंड में आप केवल हाफ तक आओ और फिर हाफ तक यहां पर आओ और फिर दो चाही या तीन जो चाहिए आओ। साधकों की साधना देखकर
एड़ी पंजे मिलाई। अभी देखो मैंने एक बात बताओ, अभी से आप इतने ज्ञानी हो गए, मैंने बाजू सर की तरफ ले जाने के लिए नहीं कहा, अपने आप हो गए। इसका मतलब आप केंद्र पर अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन नहीं करते, इससे साबित होता है। जैसे मैं कहूंगा वैसे चलिए, एड़ी पंजे मिलाए, बुझाए शरीर के साथ, शरीर के साथ हथेलियां, मतलब बिल्कुल मिला दो ना बुझाओ को शरीर के साथ, इनकी भी मिली है। शिक्षक लोग अधिकारी लोग बीच में जाओ ना, पांच चार पकड़ो इनकी गलतियां, ये सज्जन मान ही नहीं रहे। देखिए इधर इधर देखिए, ये भाई भाई लेके नहीं आ रहे शरीर के साथ, शरीर के साथ हथेलियों का रुख नीचे देखिए, उंगलियां मिली हुई, आपने जिसका ठीक कराया उसके पंजे तो खुले में है मैडम, यहाँ यहाँ आपको कह रहा हूं। और श्वास धरते हुए दोनों टांगों को उठाए, फिर वैसे बाजुओं को भी सर्च हो गया, बाजुओं को सर्च हो, बाजुओं को पूरे से गलती हो, बाजुओं को सर्च हो, ये तो बिल्कुल अननोन पर्सन है। और श्वास निकालते हुए बैठते हुए माथा सर्च हो लेके जाओ। अब दूसरी बारी में इससे ज्यादा करो, श्वास भरते हुए टांगे सर की ओर, श्वास निकालते हुए माथा सर की ओर, श्वास भरते हुए टांगे पीछे, श्वास निकालते हुए माथा सर कानों की ओर, भुजाएं कानों के साथ रहे, घुटने ना उड़े, कोई बोलेगा नहीं जी, भीत में बोलेंगे नहीं आप, ठीक कराने वाले बोलेंगे नहीं, पंजे नाखूने टांगे सीधी रखें, भुजाएं कानों के साथ रखें, दौड़ने की गति एक समान रखें, शरीर में झटका ना लगने दें, आपकी जितनी भी गोटियां हैं सारी गोटियां लचकदार बनेंगी, फिर भी आपको अभी वापस आने के लिए कहां कहां मैंने करो, वापस नहीं आ रहा, ये फोन ले लेंगे माताएं, करो करो किसी को नहीं रुकना, दो रुपए जब मैं मानूंगा वो हार्ट का पेशेंट है, फिर क्या रुकी आ जाइए वापिस, वापिस आइए, फेस मेरी तरफ कर लीजिए। देखो मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, हम केंद्र में साधना जाके क्यों करें, घर पे कर लो ना, 15 दिन में आपको हमारे केंद्र प्रमुख सारे आसन और सारे प्राणायाम सिखा देंगे, आपको केंद्रों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप घर पर कर सकते हो। लेकिन एक बात पक्की है, बता दो या रहने दो, बता देता हूं, पहले दिन जोश में आकर के आप साधना शुरू करोगे, लेकिन 60 मिनट जो साधना केंद्र पर करते थे आप करोगे सारी चीजें, लेकिन 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, गारंटी है आप कभी भी, पहले दिन 45 मिनट में पूरी होगी, अगले दिन 40 मिनट, फिर 35 मिनट, फिर 30 मिनट, एक हफ्ते के अंदर आपकी वो एक घंटे वाली साधना 20 मिनट में बदल जाएगा, फिर 15 मिनट और फिर 10 मिनट और फिर साधना में, ये मैं क्यों सच्चाई बता रहा हूं, आप कभी कोई ऐसे सज्जन मिल जाए बीच में अपने, तो आप वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सच्चे मन से बता दें तो बिल्कुल सही है, ऐसा है तीन घंटे। तो इसलिए घर पर साधना कौन कर सकता है, जिसकी साधना स्वाभाविक सहज और परिपक्व हो चुकी है, पक चुकी है, उसकी साधना उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है, जिसको दुनिया की ताकत अब हिला नहीं सकती, उस व्यक्ति को निजी और व्यक्तिगत साधना करनी चाहिए। हम तो गृहस्थी है, अरे वो गृहस्थ के थपेड़े हमारे को पड़ते हैं, यहां से घर जाके देखना भी कभी तो जैन सरोवर उनको पत्नी देना कैसे आगे आगे करके आ गए, तो बेचारे तो कब सुनेंगे, वो सहन शक्ति हमारी, हमें अगर ये सहन शक्ति भी बढ़ा ली ना आगे 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 वो भी यही आने से वही भी होते हैं। आइए आज मेरा मन साधना करवाने का है, प्रश्नोत्तर तो मैं बाद में आपको समय दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक आसन करेंगे सर्पासन, अब सर्पासन के दो भाग बना लिए,
और दोनों भाग इंडिपेंडेंट आसन है, एक है सर्पासन एक है लुढ़कना सर्पासन। किसको दोनों आसन आते हैं, किसका सबसे बढ़िया लगता है? अच्छा किसका सबसे बढ़िया लगता है बताओ? सर्पासन जिसमें बाजू उंगलियां फंसा के ऊपर लेके जाते हैं, आओ बच्चे यहाँ पर आ जाओ यहाँ यहाँ पर ऐसे ले लो लंबाई फिर सी ले लो बहुत अच्छा शाबाश। एड़ी पंजे मेले पंजे तने और फ्लैट बिल्कुल पीछे की तरफ खींचे, दोनों बाजू पहले से शरीर के साथ है, माथा धरती पर है, दोनों हथेलियों को हिप्स के ऊपर लाएंगे हम नितंबों पर, उंगलियों को फंसा करके भुजाओं को सीधी करके खींच देंगे। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ ऊपर उठाएंगे, भुजाएं ऊपर उठाएंगे, जितनी अधिक से अधिक उठा सकते। ये बात समझ में आई आपको सबको? क्या नाम है आपका जिन्होंने किया? सुदेश। आप नाम भी जानते हो साधु को? अच्छा कोल्हापुर से औरंगाबाद से न्यू मुंबई के साथ के नाम जानते हैं। अच्छा आप मेरे से आप इसके बाद मिलना साधना के बाद। चलिए एड़ी पंजे बिनाए माथा धरती पर भुजाएं शरीर के साथ पंजों को पीछे की ओर लेटा दें, ताने दोनों भुजाओं को ऊपर लेते हुए हथेलियों को नितंबों पर रखकर उंगलियों को आपस में फंसा करके भुजाओं को जितना पीछे की तरफ सीधा करते हुए खींच सकते हैं। ऊपर उठाने के लिए नहीं कहा मैंने, खींचने के लिए कहा पीछे की तरफ। ऐसे नहीं गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल, जिन्होंने ऊपर की उठा के पकड़ के खींचे। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ ऊपर उठाइए और पीछे से भुजाओं को ऊपर उठाइए, भुजाओं को जितना उठा सकते हैं उठाइए, कंधों को निचोड़ दीजिए जैसे तौलिए को निचोड़ते हैं, स्क्वीज करनी है मसल्स, आपकी बैक मसल्स जो है शोल्डर्स के बीच की उनको स्क्वीज कर दी, ताने नहीं उठानी सिर्फ मान दी, ताने नहीं उठानी, उठाइए ऊपर भुजाओं को, गर्दन तने की जगह पीछे धड़ को उठाइए ऊपर, एड़ी मिलाइए एड़ी मिलाइए एड़ी मिलाइए, रुकिए आइए वापिस, आप भी मेरे से मिलना वाले। बैठे बैठेंगे बैठ अब एक आसन देखो, मेरी साधना में मैंने सरल आसन भी लिए, सिंहगर्जना आसन सरल आसन है, बस केवल घुटना दर्द के रोगी को वो आसन नहीं करना, यह आसन भी सरल आसनों में आता है, इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है, अगर किसी को पेट में अल्सर के फोड़े हैं या हर्निया की शिकायत है या हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है उनको ये वाला आसन बोलो नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। माताएं जो हमारी बेटियां गर्भकाल से गुजरती हैं उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा निषेध हमारे केंद्र प्रमुखों को पता होना चाहिए। संस्थान क्वालिटी परोसता है, हमें पैसा नहीं चाहिए लेकिन हम सही चीज परोस करके समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करते हैं। अब एक अग्रिम आसन करेंगे, कभी कभी धीरे धीरे अग्रिम आसन भी सीखने चाहिए, हर आसन अग्रिम आसनों में आता है, इसकी दो स्थितियां हैं जिनसे हल आसन पूर्ण नहीं लगता वो अर्ध हल आसन कर सकते हैं, लेकिन अल्सर के रोगी और पेट में हर्निया हो उनको नहीं करना चाहिए। पूर्ण स्थिति तो हृदय रोगी को भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें स्ट्रेन काफी पड़ता है, जिनको कमर दर्द हो वो अर्ध हल आसन तक तो जा सकता है, उसे पूर्ण हल आसन की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? इसका प्रदर्शन मैं स्वयं दूंगा,
और फिर आप इसको करके दिखाएंगे। इस वाले पे कर सकता हूँ, इस पे करूँगा तो इतना नहीं जाएगा, इसको ऐसे करना मुझे। और एक माइक पकड़ करके मेरे पास आ जाएगा, मुझे कोई बात बोलनी होगी तो मैं बोल पाऊंगा। जाने की गति देखेंगे आप सबसे पहले बात। अगर आने और जाने की गति नियंत्रित है आपकी और वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में चल रही है, आपको थकान पीड़ा दर्द नहीं होता, तो सोचो कि आपका ये आसन बहुत बढ़िया है। इस आसन के करने से डायबिटीज की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक होती है, पेट के सारे ऑर्गन्स, डाइजेशन और एक्सक्रेशन, ये सब पाचन निष्कासन, ये सब ठीक होते हैं। रीढ़ की एक एक घोटी, घोटी के मध्य पाए जाने वाली गद्दी जिसको आप डिस्क कहते हैं, वहां से निकलने वाला रूट नर्वस सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया बनता है, सीएमएस के ऊपर कमाल का प्रभाव आता है इस आसन के करने से। लेकिन ये आसन कभी भी शुरू में नहीं करना चाहिए, आखिर में करना चाहिए, ताकि बॉडी आपकी पूरी तरह वार्म अप हो चुकी हो। कभी भी डायरेक्ट इस आसन का अभ्यास एक अच्छे निपुण साधक को भी नहीं करना चाहिए, उससे हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। आप देखिए आप पीछे ले जा सकते हैं, आने की गति बिल्कुल नहीं बिगड़नी दे। जहां पर मैं इस वक्त हूं इसे अर्धहल आसन कहा जाता है। अगर कोई पूरा नहीं कर सकता तो यहां पर अपना प्रारंभिक अवस्था में समझौता कर ले और फिर उसके बाद इसमें जाए। अगर इसमें नहीं जा सकता तो एक विपरीत करनी आसन होता है हमारा, मैं वो करके दिखा देता हूं। वो अर्धहल आसन के बाद विपरीत करनी आसन का अभ्यास करें। कैसे? ये उठाया मैंने पहले अर्धहल आसन की स्थिति में, फिर हल्की सी कमर उठाई और ये हथेलियां यहां रख दी और फिर धीरे धीरे हिप्स को नीचे रखा और फिर उसी स्थिति से जैसे बाकी हम हलासन और अर्धहलासन की स्थिति में वापस आते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आना है और यहीं से सब आसन कर लें। इस आसन के बाद पीछे झुकने वाला आसन जरूर कर लेना चाहिए, जिसमें हम अर्ध सॉरी वो मत्स्यासन, हम जो आपको कर मत्स्यासन करवाते हैं वो कर लें, धनुरासन कर लें, कोई भी ऐसा आसन अगर आप कर लेंगे तो आपके इस आसन का पूर्ण प्रभाव मिलेगा। एक बार लेट जाए सर मेरी अब है असली परीक्षा आपकी, 10 नंबर का पेपर है, मार्क्स है 10 और मार्किंग करके बताना कितने आए आपके। मेरी आवाज के साथ जो चलेंगे, कमर दर्द वाले बिल्कुल नहीं करेंगे इसको, हार्ट पेशेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, और कोई बोलेगा नहीं जब तक ये आसन चलेगा। अगर कोई बोलता है तो उसको चुप करवाने की ड्यूटी भी आती है। जो ये बीच में बैठे हुए हैं क्या कोई तकलीफ है तो कुछ तो कर लो, नहीं तो उठी जाओ, लेट जाओ, कुछ तो करो, बैठो तो अच्छे नहीं लग रहे, मकर आसन कर लो, भुजंग आसन कर लो, एड़ी पंजे मिलाएं, बुझाएं शरीर के साथ, पंजे ताने, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को
अर्ध हाल आसन की स्थिति में लेकर आए, धीरे धीरे, कितनी फास्ट में, बहुत सुन। अब फिर द्वारा हथेलियों का सहारा लेते हुए धर को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर निकालते हुए दोनों टांगों को पीछे की ओर ले जाते रहें। टांगे दूर से दूर, आपके पंजे जमीन पर बहुत धीरे से धरती पर स्पर्श करें, दूर से दूर। यहां पर हथेलियां धरती पर ही रहती हैं। समान आसन में हम सपोर्ट लेते हैं, इसमें है नहीं, और झटका भी लगना चाहिए। एक दो, महिलाओं में दो और पुरुषों में नील। बहुत धीरे धीरे वापिस आना शुरू करें। अंत में एड़ियों को बहुत सहजता से धरती से स्पर्श करा दें। यहीं से पीठ के बल आ जाए, पेट के बल आ जाए। ये आसन मैं वैसे करवा रहा हूं, हम कभी भी पीठ से पेट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि मेरा मन से आसन करवाने का मन नहीं, मुझे डेमो भी देना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब आप सूर्य नमस्कार की सातवीं स्थिति कर, भुजंग आसन, दोनों बाजू खड़ी हो जाती है, हाँ करो, उठाओ गर्दन दो पीछे ले जाओ, रीढ़ को पीछे ले जाओ, खूब खींचो पीछे, खूब खींचो पीछे। दोनों यहां पर पंजे खड़े करके रखो। जो मैंने सूर्य नमस्कार की सातवीं स्थिति बोला है, तो सातवीं स्थिति में अगर आपके लाल पंजे खड़े रहते हैं, एड़ियां मिली रहती है, ये डेढ़ फुट का गैप नहीं होता, शिव मान दी, मिलाओ और खड़े करो पंजे, जैसे उन्होंने खड़े करके सारे वाले को देखो, मुड़ नहीं पा रहे, वापिस आओ, पीठ के बल बैठो, पीठ के बल, दोनों पैरों में एक से सवा फुट का फासला कर लें। भुजाओं को शरीर से 6 से 8 इंच की दूरी बनाए ले जाए, उंगलियां ढीली कर दे, स्वाभाविक रूप में हल्का सा कर्व बनाएगी जब आप ढीली करेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रहेगा, आंखों को कोमलता से बंद कर दें, शरीर को ढीला करें, मन में भाव लाएं कि मैं शवासन लगाने जा रहा हूं। शवासन विश्राम करने की बहुत सुंदर क्रिया है, 6 से 7 मिनट का करवाऊंगा, केंद्रों में 3 मिनट का करवाते हैं। जो कुर्सियों पर बैठे हुए या खड़े हुए हैं, वो भी अगर यही कार्पेट पे दाएं बाएं लेट जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। अगर आनंद की दुनिया में जाना चाहते, जल्दी से बहुत जगह है, कहीं भी लेट जाओ। सब लेट जाओ, ये बीच में गैलरी या गैलरी में लेट जाओ, ना जगह मिले तो पत्थर पर लेट जाओ, आनंद लेना है स्टेज पे आ जाओ, दाएं बाएं आगे पीछे। जो कुर्सी पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आप क्यों नहीं लेट रहे हैं? कोई अगर मेहमान आया है उसको तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको तो आदेश दे सकते हैं कि सामने रजिस्ट्रेशन वाले बैठे हैं, सामने मेरे सामने क्यों नहीं उठ रहे हैं कुर्सी से, आपको कह रहा हूं। हाँ, इतना हमें साधक बनना है जी, मैं भाषण देने के लिए थोड़ी आया हूं मुंबई में, मैं तो साधना करने और करवाने आया हूं। लेट जाइए, देखिए यहां कितनी जगह पड़ी, मेरे पास आ जाइए, आइए जल्दी से आइए, तेजी से युवाओं की तरह चलो और आगे आओ, मत प्रेस्टीज बनाओ, प्रेस्टीज तो हार्ट का पेशेंट बना देती है, हमें हृदय रोगी बनते हैं जो प्रेस्टीज बनाते हैं। गिरा दीजिए प्रतिष्ठा का प्रसंग चिन्ह, हटा दीजिए अपने जीवन से, सरलता और सहजता जीवन में आ जाएगी, यकीन मानिए उस भगवान को साक्षी बना के कह रहा हूं मैं। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करें,
शरीर के सभी अंगों का मानसिक अवलोकन करते हुए हम उनको शिथिल करेंगे। आइए शरीर के दाएं भाग को देखें, दाएं पैर के तलवे और टखने को ढीला कर दें, घुटने से नीचे की मांसपेशियां और दाएं घुटने को ढीला करें, काफ मसल्स एंड राइट नी, राइट थाइस एंड राइट हिप एंड हिप ज्वाइंट, दाएं जगह दाया कुल्हा कुल्हे का जोर, इसी तरह से बाएं पैर को देखें, उसके तलवे पंजे और टखने को ढीला कर दें, पश्चात लेफ्ट काफ मसल्स लेफ्ट नी, बाएं पिंडली और बाएं घुटना, लेफ्ट थाई मसल्स और हिप ज्वाइंट और हिप, नितंब का जोर और बाएं जगह की मांसपेशियों को ढीला करें, दोनों टांगों को एक साथ देखें और पूरी तरह ढीला कर दें, ताकड़ी वाला भाग जहां से बेल्ट घूमती है उसको ढीला करें, लोअर एब्डोमिनल रीजन पेट के निचले हिस्से को ढीला करें, जहां पर आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एनस और रेक्टम वाला भाग है, पश्चात असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन को ढीला करें, नाभि के आसपास के सारा ऑर्गन और रीजन ढीला हो जाए, बोथ द किडनीज एड्रेनल स्प्लीन पैनक्रियास ड्यूडेनम लीवर गॉल ब्लैडर को ढीला करें, आंते अग्नाशय अमाशय पित्ताशय सब को ढीला कर दें, डायफ्राम को देखें और ढीला करें, दाया फेफड़ा बाया फेफड़ा, इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी पसलियों के मध्य पाई जाती है, फेफड़ों के संकुचन और विस्तार प्रसरण प्रक्रिया में सहायक होती हैं, और सभी पसलियों को आप ढीला करें, पश्चात कॉलर बोन ढीली हो जाए, अब आप गले वाले भाग को ढीला कर दें, थोड़ी दोनों कंधे कंधों से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कलाई तक का भाग, हथेली का पृष्ठ भाग, हथेली का अग्र भाग, सभी उंगलियों को ढीला कर दें, अब आप चेहरे वाले हिस्से को ढीला करना शुरू करें, थोड़ी ढीली हो जाए, निचला और ऊपर का जबड़ा ढीला हो जाए, मन करे तो जीभ को घुमाइए, होठों को ढीला करके थोड़ा सा शिथिल कर दीजिए, दाई और बाई गाल को ढीला कीजिए, दोनों नासा पुटों और नासा छिद्रों को ढीला कर दीजिए, पूरी नासिका ढीली हो जाए, आंख का निचला भाग ऊपर का भाग दोनों भौहों और भूमध्य को ढीला कीजिए, सर का दायां भाग बायां भाग निचला भाग और ऊपर के भाग को ढीला कीजिए, मस्तिष्क की सभी फैकल्टी विश्राम में चली जाएं, कोई थॉट नहीं, मस्तिष्क और चेहरे को एकदम शिथिल कर दीजिए, शांत कर दीजिए, विश्रांति की ओर लेकर के जाइए, तनाव रहित हो जाइए, दोनों टांगे ढीली, पूरी धड़ ढीली, रीढ़ ढीली, भुजाएं ढीली, गर्दन मुखमंडल और कपाल ढीला, पूरे शरीर पर एक दृष्टि डालिए, विदिन ए ग्लैंस अपनी पूरी बॉडी के प्रति अवेयर हो जाइए और देखिए कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया, और मन में भाव लाइए कि यह शरीर मिट्टी से बना है,
मिट्टी और इस शरीर में कोई अंतर नहीं, शरीर मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, शरीर ढीला, शरीर ढीला, शरीर ढीला, और ढीला ढीला ढीला। कल्पना कीजिए ये मिट्टी से पैदा हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। कीजिए अभ्यास कि मेरा शरीर मिट्टी में मिलता जा रहा है, इस स्थूलता का आभास होना बंद हो जाए और मैं सूक्ष्मता की ओर बढ़ता चला जाऊं। शरीर को भूलिए, नासिका के अग्रभाग के ऊपर अपनी सजगता के केंद्र को एकाग्र कर दें और श्वास प्रश्वास की क्रिया को, आपके आगमन को और निर्गमन को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, हर श्वास के साथ ओम मंत्र जोड़ दें। श्वास भीतर जाए तो ओम, श्वास बाहर जाए तो एक, श्वास भीतर जाए तो ओम, श्वास बाहर जाए तो दो, 11 श्वासों की गिनती गिने, 11 श्वासों की गिनती गिने। सोना नहीं है, अगर गिनती भूल जाऊं तो दोबारा एक से शुरू हो जाएगी। 11 श्वासों की गिनती गिननी है आपको। ओम एक, ओम दो, ओम तीन। मुझे मेरे ईश्वर ने ये अमूल्य मानव जीवन का मालिक बनाया है, मानव देह का। हे प्रभु, तेरी मुझ पर असीम कृपा है, मुझे इस जीवन को सिद्ध करने का अवसर भारतीय योग संस्थान के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के माध्यम से प्राप्त होने लगा है। मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दो, मैं जीवन में कभी भी इस मार्ग से ना भटकूं, मैं स्वयं अच्छा जीवन जूं और दूसरों को अच्छा जीवन दे जीने की प्रेरणा दे पाऊं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। दो बार आप अपने संकल्प को दोहराएं। अपने शरीर को देखें और उसमें बहती हुई प्राणिक ऊर्जा को महसूस करें। पूरे शरीर में श्वास का आवागमन की अनुभूति करें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लें, आंखें नहीं खोलनी, दाहिनी कोहनी और बाएं हाथ की हथेली का सहारा लेकर के उठ बैठे। आंखें नहीं खोलनी, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। दोनों हाथों की उंगलियों से आंख की पलकों को सहलाएं और मुझे बताएं कैसा महसूस कर रहे हो, टेंशन में हो या रिलैक्स्ड? जब आए तब रिलैक्स्ड ज्यादा थे या अब रिलैक्स्ड ज्यादा थे? इसका मतलब हमने थकाया तो नहीं ना, फिर साधना शुरू कर दे। आप
आपको सब आसन और साधना में आज कितना आनंद आया, जिनको 50% आया वो एक हाथ उठाएगा, जिसको 100% आया वो दो हाथ उठाएगा, और जिसको बिल्कुल नहीं आया एक भी नहीं। अगर आप देखो, आपके हाथ उठाने से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसका एक टेस्ट लूंगा। उस टेस्ट में आप कामयाब हो गए तो आपको 100% आया, नहीं तो आपके चेहरे रिकॉर्ड करके मैं बता दूंगा कि तुम्हें 100% नहीं, 50%, 10% आया। वो कैसे? हम नॉन स्टॉप 2 मिनट तक हंसे, मेरा हाथ ऊपर उठेगा तो आपका भी उठेगा, मेरा हाथ ऊपर उठेगा तो आपका भी उठेगा, मेरा नहीं जाएगा आप देखते हैं। अगर 2 मिनट से पहले कोई रुक गया या किसी का चेहरा सूजा हुआ हो, सुला रखा चेहरा, रूसा रूसा सा रखा है, शाइनिंग नहीं है चेहरे पे, योगी नहीं लग रहा है, तो झूठ बोल रहा है, तो झूठे आ जाता है। देखते आइए, मेरे साथ तैयार हो जाएंगे आप, ठीक है? मेरे हाथ से पूछेंगे ना, मेरी गति से आपने हाथ उठाया, श्वास करिए, मधुर हंसी शुरू। मुझे भी दिलवाना थोड़ा सा, मैं भी बड़ा परेशान हूं,